दोस्तों आपको मालूम है दिल्ली और मुंबई के अंदर खोले गए एप्पल स्टोर के अंदर 170 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी कितनी है। दरअसल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी सैलरी 4 गुना ज़्यादा है। नॉर्मली अगर किसी दूसरी टेक ब्रांड के अंदर वो एज ए सेल्स पर्सन होते तो शायद उनको 25,000 रुपये मिल रहे होते, लेकिन इन दोनों ही स्टोर्स के अंदर जो मुंबई के अंदर है और दिल्ली के अंदर है उनके अंदर उनकी सैलरी 1,00,000 रुपये पर मंथ है। ये क्यों है? क्योंकि देखो वो हाईली एजुकेटेड तो पहले से ही है और इसी के साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वो बात कर सकते हैं। तो आप किसी भी एप्पल के स्टोर में जाओ, चाहे मुंबई के अंदर जाओ, दिल्ली के अंदर जाओ, वो 20 लैंग्वेजेस के अंदर बात कर पाएंगे। ऐसा नहीं है हर एक को 20 लैंग्वेज आती है, लेकिन हाँ आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर बोलते हो और कोई और उनका एम्प्लॉय अगर उस लैंग्वेज में बात करता है तो वो आपसे कम्युनिकेट करने आ जाएगा और आपको हेल्प करेगा उन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो इसी वजह से शायद इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा हाई है और ऊपर से एप्पल है उसका नाम और खुद कुक आए थे तो शायद उन्होंने अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से सैलरी रख दी यहाँ पे। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में 2 या 2 से ज्यादा मोबाइल होंगे, तो उनके लिए मजेदार खबर यह है कि व्हाट्सएप की एक ऐसी अपडेट आ चुकी है जिसके अंदर आप अपने 2 से भी ज्यादा मोबाइल के अंदर लॉग इन हो सकते हो। वैसे तो 4 मोबाइल तक के अंदर आप अपने व्हाट्सएप को लॉग इन कर सकते हो, लेकिन एडवाइस नहीं करूंगा मैं किसी को भी 4 के अंदर लॉगिन करने की, क्योंकि भैया कुछ भी हो सकता है, एक मोबाइल गायब हुआ तो आपका लॉगिन वहीं पे चल रहा होगा। वैसे आप अपने प्राइमरी डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हो कि कहां कहां पर आप लॉगिन हो, तो वहां से आप लॉग ऑफ भी हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सिक्योरिटी रखी है व्हाट्सएप ने, मतलब कि अगर आपको शक रहता है, हर टाइम रात को पूछते रहते हो कि जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं, रिप्लाई क्यों नहीं आ रही है, किससे बात कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसके लिए आप लॉगिन करवा सकते हो QR कोड स्कैन करके, खुद ही देख लो किससे बात कर रही है। आपको एक बीमारी है, शक की बीमारी। दोस्तों जापान की प्राइवेट स्पेस एजेंसी iSpace ने कंफर्म किया है कि उनकी पहली प्राइवेट मून लैंडिंग फेल हो चुकी है। जो हकुटो आर था वो लैंड होना था मून के ऊपर, लेकिन उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय काफ़ी हार्ड लैंडिंग हो गई, जैसे कि इसरो की हो गई थी, जिसकी वजह से इनका कनेक्शन टूट गया और इनका ये जो अटैम्प्ट था वो फेल हो चुका है। इसी तरीके से स्वीडन ने भी एक रॉकेट लॉन्च किया था जो कि स्वीडन स्पेस कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया था, लेकिन ये दिवाली के रॉकेट की तरह पड़ोसी के घर में घुस गया, यानी कि इनका जो रॉकेट था वो इनके पड़ोसी नॉर्वे के अंदर ही घुस गया। हालांकि कैजुअल्टी की कोई खबर नहीं आई। दोस्तों आए दिन कोई ना कोई नया स्कैम का हमें मालूम चलता रहता है, इसी तरीके से एक नया स्कैम का भी मालूम चला है जिसको नमस्ते स्कैम या फिर विशिंग स्कैम कहा जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि स्कैमर आपको कॉल करके नमस्ते करेगा, नमस्ते करे ना करे, लेकिन कॉल एक तरीके से वो बैंकिंग स्टाफ से बोल रहा होगा तो बैंक की तरफ से ही कॉल आएगी। अब बैंक वाले तो भैया करते ही नमस्ते कि नमस्ते सर जी हम ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके पास में कॉल आएगी, आप पूछोगे कौन से बैंक से बोल रहे हो, वो बोलेगा PNB से बोल रहा हूं, आप बोलोगे मेरा पास तो PNB का अकाउंट ही नहीं है, वो बोलेगा HDFC से बोल रहा हूं, आप बोलोगे भैया HDFC में मेरा अकाउंट नहीं है, वो बोलेगा ICICICICICICI से बोल रहा हूं मैं, जिसके बाद में आप बोलोगे भैया इसमें भी मेरा अकाउंट, अब कितनी बार पूछोगे इसमें अकाउंट नहीं है, वो स्कैमर है भाई, वो सिंपली आपको बोलेगा मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ भैया, यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है तो आपकी डिटेल को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको सवाल करने का मौका ही नहीं देना है, अगर आप थोड़े से स्मार्ट होंगे तो ही तो सवाल करोगे, लेकिन वो मौका ही नहीं देगा, कहेगा ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ढिकाना हो गया, आपके बैंक में आग लग गई, ये हो गया अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होगी, जिसकी वजह से आपसे जो डिटेल मैं पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब देते रहो, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपके साथ में। आपको सिंपल पूछना है कि भैया तू बोल किस बैंक से रहा है, अगर उसने गलत जवाब दिया तो भैया बात वहीं रफा दफा हो जाती है, पता लग गया आपको वो स्कैमर, अगर सही तुक्का लग जाता है उसका कि भैया आपका अकाउंट PNB में और वो भी PNB ही बता देता है, तो भैया सिंपल सी बात है कह दो भैया ब्रांच में ही आके बात करूंगा, वहीं आ रहा हूं मैं, देर से मैं यहां पे बात नहीं करने वाला। तो भैया इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं जहां पर वो OTP मांगेगा, पूरी ट्रांजेक्शन कर देगा वो आपके अकाउंट से, आपको मतलब डरा देगा अच्छी तरीके से, तो इस तरीके के नमस्ते स्कैम में मत फंसना वरना लंबा फंस जाओगे। दोस्तों कैलिफोर्निया की रहने वाली एक 25 साल की लड़की जिसका नाम नाला रे है, उसने अब रियल लाइफ डेटिंग को रिजेक्ट कर दिया है। उनका मानना है कि भैया ऑनलाइन डेटिंग में ही ज़्यादा मजा है, तो इसने करीबन 7,000 अपने बॉयफ्रेंड अब तक बना लिए हैं ऑनलाइन ही। दरअसल ये ओनली फैन के ऊपर एक मॉडल है जहां से इसको $3,00,000 की कमाई हो जाती है, यानी कि 2.5 करोड़ रुपये की कमाई हो जाती है, जिस वजह से इसने रियल लाइफ बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं। और इसी के साथ साथ जब इससे कहा गया कि भैया रियल लाइफ बॉयफ्रेंड बना लो, अच्छा खासा कमा रही हो, जिसके बाद में इसने कहा कि नहीं कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरा ये जो करियर है इसके अंदर मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ, एक बॉयफ्रेंड को पकड़ूंगी तो शायद ही वो मुझे अफोर्ड कर पाए।
तो 7000 काफी है मेरे। दोस्तों वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया ट्राई के पास में रोने के लिए गए हैं कि वो काफी ज्यादा अनहैप्पी हैं कि एयरटेल और जियो फ्री में लोगों को अनलिमिटेड 5G इंटरनेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमको छोड़ के सभी लोग पोर्ट करे जा रहे हैं एयरटेल के ऊपर जियो के ऊपर कि भैया वहां पे तो हमें 5G मिल रहा है वो भी अनलिमिटेड, जिसकी वजह से हमारी काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन जा रहे हैं। हालांकि ये भी 5G का रोल आउट शुरू करने वाले हैं, लेकिन पता नहीं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो रोने गए ट्राई के पास में कि भैया कुछ करो वरना तो हमारी लुटियाई डूबो देंगे पूरी तरीके से। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। दोस्तों टेक्सास की रहने वाली 22 साल की एल्विस डेविस एक कॉन्सर्ट के अंदर गई थी, जहां पर काफ़ी ज़्यादा नाच गाना भी हुआ, वहां पर मशीनें भी थी जो कि धुआं छोड़ती है, मिस्ट छोड़ती है। तो उसी तरीके की बताया जा रहा है कि एक मिस्ट मशीन की वजह से इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर था वो शायद किसी बैक्टीरिया से कॉन्टेमिनेटेड था, जिसकी वजह से इनके जब मुँह में चला गया वो इनहेल होके लंग्स की तरफ चला गया तो इनको सीवियर नमूनिया हो गया और ये 16 दिन के लिए कोमा चली गई। और इसी सिवियर निमोनिया को लिजीनियर डिजीज भी कहा जाता है। तो वो होने के बाद में जब इनको सेप्सिस हुआ, क्योंकि जब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एक्सट्रीम रिस्पांस दिखाती है तो उसके अंदर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ केमिकल छोड़ देती है और उन केमिकल छोड़ने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि पूरी बॉडी सूज जाती है। और उस सूजन की वजह से इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि 16 दिन के लिए कोमा में तो गई थी, लेकिन उस सूजन ने इनके कुछ बॉडी पार्ट इनसे ले लिए, यानी कि हाथ और पांव काटने पड़ गए डॉक्टरों को इनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि इनके ऑर्गन फेल होने चालू हो गए थे। तो इस तरीके के भी हो सकते हैं ये कॉन्सर्ट जिसके अंदर आप चाहते हो और मिस्ट मशीनें पानी वानी फेंकती है। शायद ये अनलकी रही कि उसके अंदर जो पानी यूज़ किया गया उसके अंदर बैक्टीरिया था, वो कंटेमिनेटेड था, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई।